चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम लैटिस मल्टीप्लिकेशन का ही। लैटिस मल्टीप्लिकेशन में हमने क्या किया था, बॉक्स बनाने हैं। सबसे पहले देखिए टू डिजिट्स हैं, हमने यहाँ पहले थ्री डिजिट्स तो थ्री बॉक्स बनाए थे, अब टू डिजिट्स हैं तो टू बॉक्स। देखिए कैसे बनाना है बॉक्स, ये बॉक्स बना लिया हमने, इनको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये देखिए बॉक्स बना लिया, पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक जगह लिख दिया थ्री एंड फाइव और यहाँ पर लिख दिया, एक हॉरिजॉन्टल में लिखना है और एक वर्टिकल में। अब बहुत ही ध्यान से देखिए, हमने इनको आपस में डिवाइड कर दिया है, हर बॉक्स को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है कि एक पर एक साइड लिखेंगे हम कैरी और एक साइड लिखेंगे हम उसका लेफ्ट साइड वाला। तो हम टू को करते हैं फाइव से पहले मल्टीप्लाई, लैटिस मल्टीप्लिकेशन का है ये, ध्यान से सुनिए। टू फाइव दा टेन, टेन का ज़ीरो यहाँ एंड वन यहाँ, टू थ्री दा सिक्स, सिक्स यहाँ और कुछ भी कैरी नहीं हुआ तो ज़ीरो, फाइव फाइव ज़ा ट्वेंटी फाइव का फाइव यहाँ और टू यहाँ, फाइव थ्री ज़ा फिफ्टीन का फाइव यहाँ और वन यहाँ। अब आप देखिए इसको कैसे करना है, ये देखिए इसको हमने ऐसे कर दिया, इसको एक्सटेंड करना है, एक्सटेंड करके आपको एडिशन करनी है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसका। समझ में आ गया आप सबको ये वाला, देखिए इनको हमने प्लस करना है, फाइव यहाँ पर कुछ भी और नहीं है, फाइव फाइव ही है तो हम लिख देंगे सिंपल फाइव। अब ये देखिए यहाँ इस वाली लाइन में क्या है, फाइव प्लस टू प्लस ज़ीरो, फाइव प्लस टू प्लस ज़ीरो कितने होते हैं सेवन, ठीक है तो हमने यहाँ लिख दिया सेवन। फिर वन, सिक्स प्लस वन प्लस वन कितने होते हैं, सिक्स प्लस वन सेवन प्लस वन एट, ठीक है एट ऐसे, और ये क्या है ज़ीरो। तो अब हम इसको कर लेते हैं, फाइव का फाइव यहाँ, सेवन सिंगल डिजिट है तो उतार लेते हैं सेवन, एट भी सिंगल डिजिट है तो उसको उतार लेते हैं। अगर दो डिजिट्स होते हैं फिर राइट वाला नंबर जो है नेक्स्ट में कैरी हो जाता है, बाकी यहाँ पर सिंपल। अब आप देख लीजिए सिंपल मल्टीप्लिकेशन करके भी आंसर हमारा सेम आएगा, तो हमारा क्या आ गया एट सेवन फाइव इज़ द आंसर आफ्टर मल्टीप्लाइंग थर्टी फाइव बाय ट्वेंटी फाइव। तो ये हो गया आपका लैटिस मल्टीप्लिकेशन।